देश दुनिया में मध्य प्रदेश यूं तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन टाइगर की एक खास प्रजाति ऐसी है जो यहां भी नहीं पाई जाती थी। यह बहुत ही दुर्लभ खतरनाक टाइगर माना जाता है। हालांकि अब इंदौर के चिड़ियाघर में यह दुर्लभ टाइगर आ गया है। खास बात यह है कि इसे अब आम लोग भी देख सकेंगे। आज इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में विश्व टाइगर दिवस के मौके पर एक काले टाइगर को पिंजरे से बाहर खुला छोड़ा गया है। आज से यह दुर्लभ किस्म का टाइगर चिड़ियाघर में खुले में विचरण कर सकेगा। इसके लिए पहले से बनाए गए एक बड़े वाड़े में विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। आज निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की उपस्थिति में इस दुर्लभ किस्म के टाइगर को पिंजरे से बाहर वाड़े में छोड़ा गया है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि आज विश्व टाइगर दिवस के मौके पर इंदौर के चिड़ियाघर को यह सौभाग्य मिला है कि वह चिड़ियाघर देश का दूसरा ऐसा चिड़ियाघर हो गया है जहां 3 प्रकार के टाइगर मौजूद है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अब बच्चे और अन्य लोग यहां 3 तरह के शेरों को वितरण करते हुए देख सकेंगे और इनके बारे में जान सकेंगे। प्रतिभा पाल ने कहा कि इन दुर्लभ किस्म के टाइगर की ब्रांडिंग की जाएगी। हमारा स्टेट टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह और भी गर्व की बात है। इंदौर में 3 तरह के टाइगर देखोगे? आज वर्ल्ड टाइगर डे है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। जो नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे टाइगर रिजर्व्स में हैं, पार्क्स में हैं, तो इसी क्रम में इंदौर जू ने ये एक नई USP होगी इंदौर जू के आने वाले समय में कि 3 टाइप के टाइगर्स हमारे पास रहेंगे। और आज मेलेनिस्टिक टाइप का टाइगर को छोड़ा गया है ताकि वो जो इनका विचरण करने का तरीका है उससे विचरण करें और आम जनता भी इसको देख सके। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि 3 टाइप के टाइगर्स यहाँ पे रहेंगे। एक साथ आकर जो स्कूली बच्चे आते हैं, अन्य विजिटर्स आते हैं, वो एक साथ ये देख सकेंगे। इन जनरल लोग ये समझते हैं कि टाइगर सिर्फ एक ही टाइप का होता है, तो ये आने वाले समय में जो प्रकृति प्रेम और बाकी जो जानवरों से जुड़ी हुई शिक्षाएँ वो देने में एक और आगे मील का पत्थर साबित होगा। जू को मेरी शुभकामनाएं और अन्य जो हम लोगों के आगे के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ज़ीब्रा है, फिश एक्वेरियम है, उसके लिए भी टीम ऐसे ही तेजी से प्रयास करेगी ताकि ये नई और उपलब्धियां शहर के लोगों को मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसकी ब्रांडिंग करेगा नगर निगम कि 3 टाइप के, क्योंकि ये देश का दूसरा ऐसा? बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग प्रकार की उपलब्धि है कि नंदन कानन के बाद हम लोग ऐसा दूसरा जू हैं जिनके पास में ये 3 टाइगर्स हैं। और अपने अपने जू की विशेषता भी है कि यहाँ की जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत अच्छी है, जो हमारे यहाँ जानवरों का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हमेशा रेट होता है। कई सारे एक्सचेंज प्रोग्राम में हम लोग जानवर लेते भी हैं और जानवरों को आपस में इंटरचेंज भी करते हैं, तो बिल्कुल ये ब्रांडिंग का भी विषय है, प्राउड का विषय है, तो हम लोग इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगातार प्रयास यहाँ पे होते रहे हैं, पहले भी काफी सक्सेसफुल ब्रीडिंग भी हुआ है, तो अभी इनके ब्रीडिंग के लिए क्या प्लानिंग है? ब्रीडिंग के लिए टीम ने तैयारी की हुई है। इसमें ब्लैक टाइगर, व्हाइट टाइगर और येलो जो रूटीन कलर का टाइगर है, वो 3 एक साथ में हैं और एक साथ में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे हमें इसके और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।